जहां पे यूथ आके इफेक्ट लेते हैं. मेरा एक देयर इज वन प्रोजेक्ट दैट आई जिससे मेरी बात होती है, मैं उससे ये पार्लियामेंटेरियन से मैं उससे ही सवाल करता हूं. मैं कहता हूं आप लोगों का अपना पर्सनल एक स्टाफ होता है, व्हाई डोंट यू ऐड अ यूथ ऑन इंटर्नशिप बेसिस इन योर पर्सनल स्टाफ, ताकि वो उठ के उसको आप दिखाएं. यू नो, आपने कुछ अर्से पहले ग्राबिया, शी इज 15 ईयर ओल्ड गर्ल, शी वॉज अ गुड चैंपियन, यू ब्रॉट हर इन, यू फुलफिल योर प्रॉमिस, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वुड अप्रिशिएट. देन यू शोड हर अराउंड. The thing is कि अगर आप जो professional youth है, जिसने politics में किया है, जो interested है इसमें, you know, you can 6 महीने, 4 महीने, 3, whatever you find suitable, अगर आप उन लोगों को अपने साथ लेकर चले, उनको you know, आप उनके थोड़ा बहुत उनको बताएं कि lobbying कैसे हो रही है, how things are working in the parliament, how do you go and submit a bill and all those things. अगर पाकिस्तान के जितने भी parliamentarians, there are more than 1700 parliamentarians including in the provincial assembly that we have, you know, अगर आप सर ये करें तो अगर आप दो दो लोगों को भी अपने साथ लगाएं तो आप 2000 लोग तो अब महीने भर में तैयार कर लेंगे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एक्चुअली पहली बात तो ये कि हमें कोई स्टाफ अलाउंस नहीं मिलता, राइट? नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इंटर्नशिप ले लेना, यू जस्ट गिव देम अ सर्टिफिकेट. नहीं, आप सुने तो सो पहली बात तो हुकूमत या पार्लियामेंट से हमें कोई स्टाफ अलाउंस नहीं मिलता. तो अगर किसी ने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करना है तो अपने पॉकेट से करता है. मैंने मे में ही आई टू कोर्ट इन मार्च एंड मे में I had employed, 1st of May we started, I had employed two what you would call interns, but I called them parliamentary aides because I didn't want them to think that they were interns and they're not interns. See. For me, they're parliamentary aides. मैंने मास्टर्स के स्टूडेंट दो लिए, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी छंटी की और मैंने इंटरव्यू किया और हमने वो रखे. अब उस एक्सपीरियंस से मुझे जो कुछ मिला और उनको जो कुछ मिला, उनको जो कुछ मिला है तो आप उन्हीं से पूछ लें, लेकिन मुझे जो कुछ मिला वो यही था कि एक तो मुझे डेफिनेट रिसर्च पर्पजेस के लिए हेल्प मिली, राइट? और दूसरा जो मैंने डेवलप किया, अब स्पेशली वन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर सुपर्ब इन देयर ओन रिस्पेक्टिव वेज एंड दे बोथ हैव देयर डिफरेंट स्ट्रेंथ, बट वन ऑफ देम आई डेफिनेटली नो इज अ बिग मोर हैज डेवलप दोज पॉलिटिकली सावी स्किल. And she is a complete pressure point on me. She doesn't let me rest. Kisi madam, aap aaj aapne kya kiya? Matlab she is on my case, and it's an incredible feeling to have somebody who's totally watching out and who's, you know, trying to be very helpful and who's also trying to help in any way whatsoever. Research ke liye, news kya hai, कहाँ एक्ट करना है. अच्छा, उसको आप वो जो है उसको हर चीज क्योंकि वो शेयर अभी सिंह आज ये हुआ आज अ नो पोलिटिकल आई जो सारे अपनी टीम के साथ इंसान शेयर करता है तो उसकी एक एबिलिटी डेवलप हो गई है. और वो भी अब शुरू में तो वो सारे बड़े आइडियलिस्टिक होते थे, नहीं उसको यूं करना चाहिए, उसमें तो ये रिजल्ट निकलेंगे. तो शुरू आहिस्ता आहिस्ता वो भी ज्यादा पोलिटिकली सैवी हो गए और उनको भी लॉबिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, उनकी आंखों के सामने हो रहा है ना. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कुछ लेक्चरर्स थे सिंध के जिनको जो है नोटिफिकेशन नहीं हो रही थी, जिनकी वो कमीशन पास है, उनका हक है उन जॉब से, लेकिन हुकूमत विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल उसके तहत वो नहीं करी. वो बेचारे आए, वो बैठे, उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया, वो बच्चियां बैठी हुई थी, उन्होंने सुना और उन्होंने दे सॉ द वे पार्लियामेंटेरियन डील विथ अ सिचुएशन लाइक दैट. फिर जो मैंने लॉबिंग की विद द डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज एमक्यूएम पीएमएल एंड एक्सेट्रा उनके साथ और अपनी पार्टी में भी ऑब्वियसली हैड टू क्रिएट दैट अप्रूवल फॉर दिस पर्टिकुलर इशू. तो वो उन्होंने देखा कि जी किस तरह से लॉबिंग होती है, कहाँ एक्ट करना चाहिए, कहाँ एक्ट नहीं करना चाहिए. आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम लर्निंग द रोप्स माई सेल्फ, आई एम न्यू, राइट? तो मैं भी गलतियां करती हूँ, हम सब साफ गलतियां करते हैं, हम सब साफ सीखते भी हैं. तो वो बच्चियां तो डेफिनेटली अब तक तो अब आ रही है, राइट? अच्छा, उसके अलावा आपने ये शेडो ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी, लेकिन सिर्फ मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन यूथ के लिए, मुझे भी उसके बाद कुछ मिला. मुझे डेफिनेट रिसर्च हेल्प मिली, मुझे आइडिया बाउंसिंग मिली और मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती है, स्पेशली फॉर वन ऑफ देम हु इज यू नो हु इज वेरी पुशी अबाउट थिंग्स एंड आई गेट वेरी इंस्पायर्ड लाइक दैट कि चलो कोई तो है जो पुश कर रहा है. दो आई माई सेल्फ एम एक्सट्रीमली परसिस्टेंट, सो आई डोंट रियली नीड मच पुशिंग, बट स्टिल. अच्छा, दूसरा जो है This is what I'm saying. Now, the point is, how many people in the parliament are willing to do this, what you're doing right now? You know, two people you have to do. I don't know. I have no clue. Would you be willing? Would you be willing if Pakistan First think tank sits down and talk to you, and would you be willing to do this project? And start lobbying for us to the people and talk to them, ki ji, do this project. You're not going any loss. On the other hand, you're actually getting help from people. I think, I mean, I definitely would be willing to help out, and since I have done it, the model exists,
the success. Exactly. A successful model exists. See? And by the way, jab wo dekhte hain na ki Marvi ke paas ye sari research aur kyunki faction suggest ke saath baat karti hai, to main unko bhi provide karti hu ki aap bhi main apni party members ko ya jahan bhi main login kar rahi hu ki unke talking points main hi nikal ke unke haath mein deti hu, to please aap use kare, because cause to ek hi hai na. Bilkul. So one has to help out jiske paas talking points nahi hote, so it's a teamwork. Jab wo dekhte hain ki iske paas talking points hain, ye thodi zyada research hai in terms of facts and figures, so wo bhi sochte hain ki ji is tarah ka hona chahiye. A lot of people have come up to me and said ki ji, we'd like to tune in and you know, we'd like you to keep more people and we'd like to share in the cost and everything. Mm-hmm. But point is ki sab apni apni responsibility uthaye. And everyone has to take a responsibility aur sab apne apne log rakhein, kyunki sabki priorities aur hongi na. Matlab meri priorities X hai in terms of causes, in terms of issues that I want to go and solve, kisi aur ki alag hongi. Jahan shared causes honge, wahan shared resources bhi use kar sakte hain. So mere saath to ye hua hai ki log have been inspired and they are. But they never actually, it's never actually materialized, because frankly I've got my hands full also. Matlab those two are enough for me in terms of researching and for me in terms of guiding. Because you cannot be sitting and guiding 50 million people. But wo jo shadow cabinet ka jo concept hai na, wahan ye implement hota hai bahut achhi tarah se, kyunki wo limitless hai. Shadow cabinet limitless hai. Mujhe yaad hai koi issue tha, I can't remember kaun sa issue tha. It was something specific jis pe mere paas koi khaas knowledge nahi thi and I was not an expert on that subject. Haan, local government ka issue tha koi. Uh-huh. Kya local government ke kya failures aur kya successes hain ye wo. Na mujhe pata tha ki meri Pakistan Muslim League hukumat ka ye ek project tha, jo it was a tagline PML project LG and also Sadr Musharraf ka ye tech project tha. So I knew that I had to read up on it and do. Now, I didn't have time. I remember I was traveling, I was in Karachi for a day and I had to go and speak about this. I went through my emails and my shadow cabinet, somewhere sitting in Bahrain or some Gulf state, had written to me about LG some time back. I fished that article out and that person had done the research. That person had come up with the ideas of kya hai, and all I had to do was implement or tell the people so they knew hona chahiye. अब मतलब मैंने तो रिसोर्स वो शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट इतना वास्ट है ना कि जिसकी जिस एरिया में एक्सपर्टीज है वो आके बताए, क्योंकि मेरी हर एरिया में नहीं हो सकती एक्सपर्टीज, अनदर यू नो एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, ना आप हो सकते हैं, तो जिसकी जो इंटरेस्ट है वो आके बताए. लेकिन मामी यू नो पीपल ऐसे भी लोग होने चाहिए जो इसको, जो लोग दूसरों को सुनने के लिए तैयार भी हों. यू नो हमारी जो लीडरशिप है एंड वी विल फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, कि जो लोगों में जो अमूमन प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हमारे जो सियासतदान ऊपर बैठते हैं वो समझते हैं जी वी आर ऑल एंड ऑल, हमें जितना पता है वो सबसे ज्यादा पता है और उसके बाद मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं पता और मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बाकी जो सब कह रहे हैं वो सब गलत है. यू नो यू आर नॉट ओपन माइंडेड. जब वो ओपन माइंडेडनेस एक पॉलिटिशियन एक लीडर में नहीं होगी कि वो लोगों से फैक्ट्स को और फिगर्स को एक्सेप्ट कर सके और किसी की भी ओपिनियन सुन सके, दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर सके. यू नो हमारे शोज में जो टीवी शोज यू ऑल्सो कंसिडर होते हैं, वहां पर क्या हो रहा होता है, हर बंदा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए तैयार है. आज तक मेरे ख्याल में मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना किसी के ऊपर कि किसी बंदे का किसी पॉइंट पे इख्तलाफ और वो कहे कि जी हाँ आपने जो बात की है वो बेहतर है, वो ठीक है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, फ्रॉम दिस ऑनवर्ड आई विल टेक दिस लाइन अंटिल आई गेट अ बेटर सोल्यूशन. यू नो देयर इज नो सच थिंग. लेट्स नाउ वो कभी आएगा जब ये रियलाइजेशन आएगी कि आप एक्सपर्ट हर चीज के नहीं हो सकते. आई डेफिनेटली हैव दैट रियलाइजेशन एंड आई एक्सेप्ट कि मेरे पास सारे आंसर्स नहीं है, तो मुझे हर एक से सुनना पड़ेगा ना. अब मैं इट्स नॉट फॉर एग्जाम्पल मैंडोर की सब कमेटी की चेयरपर्सन, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ह्यूज चैलेंज टू डू सम गुड, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू गुड. I mean that's like a wow situation, honestly. कि भाई मैं हुकूमत से नहीं हूँ लेकिन मैं क्योंकि कमेटी की चेयरपर्सन हूँ मैं कुछ गुड कर सकती हूँ और उससे आठ मैंने पी आज टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए. और मैं अच्छा अब मैं खुद तो नहीं गुड करूंगी, मुझे आइडियाज कहाँ से मिलेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे. अच्छा एक्सपर्ट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड पोरिंग इन व्हेन दे रियलाइज कि आई बी नॉमिनेटेड चेयरपर्सन, तो मुझे एक्सपर्ट भी लिख रहे हैं. तो मतलब इट्स एन अमेजिंग फीलिंग कि दीज पीपल आर आउट देयर, एक्सपर्ट्स आर आउट देयर. You just have to listen to them. सही. And what's the big deal about listening to people, right? अगर आप किसी और से सीख सकते हैं और किसी और का आइडिया लेके आगे जा सकते हैं, सो मच द बेटर. मतलब इसमें कोई ओनरशिप के इश्यूज नहीं आने चाहिए ना. मसला सारा पता है क्या? मसला ईगो का. इट्स वन बिग ईगो इश्यू. मतलब हर एक अपने पॉइंट पे अकड़ा हुआ है और कोई ये नहीं कहना चाहता कि नहीं हमें वो आइडिया किसी और से मिला. मतलब मुझे जब आइडिया मेरे पार्लियामेंट्री एक से मिलता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि फॉरन से उसको न सिर्फ उनको थैंक यू कहूँ
but usko project bhi karun kyunki ye idea mujhe wahan se mila and it was a damn decent idea and I'm just implementing it. Bilkul. But it has to be like that. It has to be, things have to change, things have to change. Bilkul. We have last 9 minutes. I know I've taken a lot of time from you. I'll just, you are very, very